हाय एवरीवन, कैसे हो? एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड हल्द्वानी के काठ गोदाम के जो गोला पुल है और ये गोल टंकी, ये बस्ती देख रहे हैं आप, ठोकर बस्ती देख रहे हैं, वहां से करता हूं। यहां दिखाता हूं अभी गोला कितनी आई है। जब गोला आई थी पहले ज्यादा तो कितना नुकसान हुआ, सारा अपडेट दूंगा। बने रहना चैनल में, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर करना। तो गाइस अभी मैं ठीक हूँ, यहाँ पर लोकेशन समझा देता हूँ आपको। ये देखिए नरीमान चौराहा से इधर को जब आएंगे यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, ये गोला पुल है, काठ गोदाम वाली गोला पुल है। तो वहाँ से मैं आज वीडियो की शुरुआत करता हूँ। यहाँ पर जब आए दिन बरसात 90 दिन से ज़्यादा यहाँ पर हल्द्वानी में बरसात रही, इस बार का जो मानसून रहा 90 दिन से ज़्यादा रहा, उस दौरान यहाँ पर काफ़ी कुछ घटा। बारिश तो ज़्यादा हुई नहीं, हल्की फुल्की बारिश हुई कभी कभी, मगर जब बारिश हुई तो एकदम रोला काटते हुए बारिश हुई। अभी भी गोला का पानी बहने लायक है, आप बह सकते हैं इसमें, इतना पानी यहाँ पर है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर गोला आई थी तो कितना पानी हो गया था, आप ये देख रहे हैं, जो वो पिलियर है, पिलियर पूरा नीचे से ना खोखला हो गया है, ये देख रहे हो आप, ये देखो। तो यहाँ जो नहर उगरा थी ये सारा कुछ यहाँ से बिल्कुल टूट सी गई थी, ऊपर से एकदम टूट सी गई थी और यहाँ से भी खतरा मंडरा रहा था। ये काफ़ी यहाँ से जो ये अब मैं हनुमानगढ़ी का जो मंदिर आपको दिखाऊँ तो यहाँ भी काफ़ी दरारें पड़ गई। अब ये आपको मैं ज़रा दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर जो ये भूभाग है मंदिर का ये हिस्सा, यहाँ पर काफ़ी दरारें पड़ गई, एकदम धस सा गया था ये, इसी को जैसे धसा यहाँ तक धस गया था ये। तो अभी यहाँ पर गोला की क्या स्थिति है मैं ज़रा दूर से ही दिखा देता हूँ। ये है गोला पुल, इसमें सिर्फ मात्र दो पिलियर हैं, आप देख पा रहेंगे, छोटा ही पुल है, ज़्यादा बड़ा नहीं। एक पिलियर वहाँ है और एक पिलियर यहाँ पर है। जो पिलियर के नीचे की जो ज़मीन होती है वो तो देखिए ऐसा खोखले हो गई है, नीचे से पूरा रेता बजरी हो रहा खोखला होके निकल गया है। तो यहाँ पर अगर आने वाले समय में दीवार उगरा और इसकी मरम्मत ना हो तो यह और नुकसान हो सकता है। यहाँ से देखिए अभी पुल में गाड़ियाँ चल रही है, रिपेयर हुआ था, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं थोड़ा नीचे को दिखा देता हूँ, ये देखिए आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैंने यहाँ पर माइक नहीं लगाया है। माइक इसलिए नहीं लगाया कि आपको थोड़ा आवाज़ सुनाई दे, क्योंकि ये देखिए गोला एकदम साफ है। और वहाँ को देखिए ठोकर बस्ती का एरिया, अभी थोड़ा सा नीचे को दिखाता हूँ मैं। अब मैं थोड़ा नीचे को दिखा देता हूँ, देखिए जब यहाँ पर घर बहा था वही घर बहा था, देखो कैसा हो गया है। उसके बाद नीचे का देखिए वो भी घर बहा था, वहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पर भी घर बह गया था। अभी नीचे वहाँ पर बड़ी पोकलैंड मशीन लगी हुई है, जो भी उसका पानी है वो उधर को किया जा रहा है। अभी देख पा रहे होंगे वहाँ पर काम चल रहा है, गोला में एकदम काम चल रहा है, नीचे पोकलैंड मशीन लगी है, वहाँ से जितना भी भरान है पत्थर उगरा है ऊपर करे जा रहे हैं, ये देख रहे हो आप, ऊपर करे जा रहे हैं। उस घर को अभी भी खतरा है, अब आने वाले समय में वहाँ पर तो घर बनेगा नहीं। फिलहाल चैनलाइजिंग किया जा रहा है, पानी को कैसे भी इधर को डाइवर्ट करा जा रहा है, क्योंकि पानी अभी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर है। उसी के तहत आपको मैं ये साइड का ज़रा मंदिर भी दिखा देता हूँ। देखो ये मंदिर है, हनुमानगढ़ी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है पूजा करने, ये देखिए श्री हनुमानगढ़ी मंदिर काठ गोदाम का हनुमानगढ़ी मंदिर है। काफ़ी एकदम शांत वातावरण इस मंदिर में रहता है, साफ़ सुथरा मंदिर है। आप यहाँ पर आइए काठ गोदाम, इस मंदिर को आप कहाँ से आएंगे, आप काठ गोदाम का नरीमन चौराहे से गोला पार जाने वाली पुल से आप अगर इधर को आएंगे तो यहीं पर ये मंदिर पड़ता है, यहीं पर ज़्यादा दूर नहीं है, पुल जैसे समाप्त होती है वैसे ये मंदिर पड़ता है। तो यहाँ पर पूजा करने आइए और सुकून मिलेगा आपको, यहाँ पर शांति मिलेगी, साफ़ सुथरा मिलेगा, एकदम अच्छा मिलेगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए यहाँ। तो आप यहाँ ज़रूर आइए, आपको अच्छा लगेगा। अब मैं यहाँ थोड़ा दिखा देता हूँ, यहाँ चल रहा है नीचे काम। जब यहाँ पर नहर बनी थी तो काफ़ी कुछ यहाँ से निकल गया था, ये देखिए मैं अभी ज़रा नीचे चल के दिखा देता हूँ यहाँ का हालात। तो अभी हम लोग यहाँ पर नीचे आ गए हैं गोला के किनारे। जब यहाँ पर गोला आई थी तो ये पूरी पार को जो खेतों में जो नहर जाती है, हाँ जो ये नहर है, नहर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। यहाँ ये पिछले साल ही बनी थी, यहाँ पर देखिए पिछले साल इसका रिपेयर का काम हुआ था, इतने से एरिया में देखो जब गोला आई तो ये देखो कितना नुकसान हो गया यहाँ, ये देख रहे हो आप। अभी नीचे से काम चल रहा है, इस नहर को बनाया जा रहा है, क्योंकि गोला पार में पानी यहीं से जाता है सिंचाई के लिए। अभी फिलहाल गोला पार में सिंचाई का एकदम ठप है व्यवस्था, कोई पानी नहीं है वहाँ, खेती को वहाँ नुकसान हो रहा है पानी की वजह से। और यहाँ पर नीचे आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, देखो पोकलैंड मशीन लगी है और वहाँ से जो भी भरान उगरा है उधर को किया जा रहा है। अभी गोला में पानी काफ़ी है, जब यहाँ पर गोला आए तो ये इसी साल का जो ये पिछले ये एक आध महीने में गोला आए थे उससे बहा था, इतना बड़ा ये देख रहे हैं आप पिलियर, ये तभी बहा था। और इधर को भी दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर कितना नुकसान हुआ था, ये देखिए काफ़ी कुछ यहाँ पर नुकसान हो गया था, ये देखिए ऊपर से पूरा पेड़ भी टूट गया था और नीचे यहाँ देखिए ये पूरा यहाँ पर धराशायी, काफ़ी नुकसान करा गोला ने। वो तो गनीमत ये रही कि यहाँ पर ये बहा नहीं तो यहाँ पर पुल को भी खतरा हो सकता था। देखिए कितने बड़े बड़े जो दीवार उगरा थे, देखो ये पत्थर उगरा सारा कुछ भाग के लेके गई। आपको मैं ज़रा नीचे से दिखा रहा हूँ, यहाँ देखो कितने बड़े बोल्डर आए, ऊपर का एकदम जो टॉप था ना, ये देखिए
ये टॉप पूरा धराशायी हो गया, यहाँ से पूरे पूरा निकल गया ये। अब यहाँ देखिए नीचे गोला के नज़दीक दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर अगर ये पत्थर निकल जाता तो यहाँ से एक गोला के पुल को नुकसान होता, क्योंकि जरा सा बचा हुआ है नीचे का। और यहाँ का देखिए मैं एकदम करीब से दिखा रहा हूँ, ये देखो एकदम खोखला हो गया, इसको रिपेयर करा जाए नहीं तो आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि काफ़ी खोखला हो गया, देख रहे हो कुछ भी नहीं बचा है। अब यहाँ का दिखाते हैं जरा, ये देखिए गोला अभी काफ़ी तेज़ है इस तरीके से, ये देखिए ये हैं नज़ारे यहाँ के। और पानी एकदम साफ एकदम स्वच्छ यहाँ पर आ रहा है, पानी का जो नल था वो भी एकदम बेकार हो गया था। ऊपर का एरिया दिखा देता हूँ, देखो अभी काफ़ी पानी है, स्वच्छ पानी यहाँ पर लगभग आ रहा है। तो यही अपडेट था यहाँ का, जो ये पुल है पुल के जो बगल में जो नहर जाती है उस नहर को भी यहाँ पर नुकसान हुआ था, तब से गोला पार में बिल्कुल भी पानी नहीं है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर पानी का कितना आवाज़ आ रहा है मतलब स्वां करके। तो दोस्तों मैं अभी सारा ऊपर को आ गया हूँ और यहाँ से ऊपर का ज़रा एरिया दिखा देता हूँ, कितना अच्छा लग रहा है पहाड़ों का एरिया। ये देख रहे हो आप, ये काठगोदाम का गोला डैम है, गोला बैराज, और ये देखिए गोला नदी एकदम साफ बह रही है एकदम, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताना यार कमेंट में, है ना। ये देखिए और यहाँ का एरिया देखो, यहाँ काफ़ी मजबूत बना गया है, ये देख रहे हो आप। जब यहाँ पर गोला आई थी ना, तो ये देखिए जब पहले यहाँ पर गोला आई थी तो यहाँ पर ये सारा डूब गया था, देखो कितनी मोटी दीवार है यहाँ पर। अगर ये इतना मोटा दीवार ये लोग लगाते नहीं ना, ये देखो अगर नहीं लगाते तो यहाँ से भी पूरा भोकटाव होता, क्योंकि मजबूत काफ़ी है, इसको लगभग कुछ होगा नहीं, बड़े बड़े पत्थर भी हैं। और यहाँ से जब रोला आता है ना, बहुत तगड़ा रोला आता है ऊपर जंगल से, पूरे जंगल से पानी नीचे को आता है, तो यहाँ उतना खतरा है नहीं, चट्टान भी है और ये साइड को भी उतना खतरा है नहीं, वो साइड को नीचे को ही ज़्यादा खतरा रहता है। अभी पानी लगभग इतना है, ये देखो अब पुल का इधर का लगभग मजबूत है, यहाँ लगभग कुछ होगा नहीं, ये देखो। और मगर ये पूरा डैमेज हो जाएगा अगर यहाँ भरान नहीं करा गया तो। गोला पुल अभी एकदम बढ़िया बना दी गई है यहाँ पर, ये देख रहे हो, और साइड का भी पिलर काफ़ी ऊँचा कर दिया गया है इसको, ये देख लो आप ऊँचा कर दिया, ताकि यहाँ पर कुछ इस तरीके से ना हो, फिर भी लोग यहाँ से अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं। एक लड़के ने करी थी अपनी जीवन लीला समाप्त यहाँ से, इसी गोला पुल से। तो उसके चलते अगर ये थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा तो और अच्छा रह जाएगा। अब यहाँ का मैं ऊपर से थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ से मजबूत है, ये पुल को गिरने की कोई संभावना नहीं है। और सामने जो पेड़ था ना, वो पेड़ एकदम धराशायी हो गया है, अब इसकी लकड़ियाँ जो है यहाँ के लोकल लोग ले जाएंगे। पूरा पहाड़ नीचे आ गया था, और सामने का मैंने नीचे से दिखाया है, ऊपर से भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए सामने का इस तरह से नज़ारा है, और मशीन वहाँ पर लगी हुई है, काम चल रहा है। और यहाँ का क्षेत्र देखो, जब ये गोला आती है तो पूरा ये भर जाता है। और आपको मैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन भी जरा दिखाता हूँ, ज़्यादा दूर है नहीं, आप भी देख पा रहे होंगे, जैसे ये गोला नदी है, इससे थोड़ा सा एक नहर और आती है, उसके बाद ये ट्रेन ही है, ये देखिए कितनी नज़दीक है ट्रेन, ये देखिए देख रहे हो आप, गोला नदी एकदम बहुत कम दूरी पे है, कम से कम 50 या 100 मीटर की दूरी पे रेलवे स्टेशन है काठगोदाम का, जो आप लोग हमेशा यहाँ से आते होंगे और जाते होंगे। ये देखिए पीछे तक ट्रेन खड़ी है, ये देखो यहाँ तक, और यहाँ है नरीमन चौराहा, सामने से आप नरीमन चौराहे से आएंगे तो ये नरीमन चौराहे से इधर को ये गोला नदी आ जाती है यहाँ को। फिर से सामने अगर आप आएंगे, मैंने यहाँ वहाँ से भी दिखाया था, हनुमानगढ़ी में आइए, ये मंदिर बड़ा अच्छा है, आप आ सकते हैं यहाँ से, ये देखिए, और यहाँ दर्शन कर सकते हैं और आराम से अपना सुकून ले सकते। देखो एक आदमी वहाँ पर गोला में भी गया हुआ, देखो कितना पानी है अभी, देख रहे हो आप, ये देखिए कम से कम घुटने से ज़्यादा पानी, मतलब बहने लायक पानी है, पता नहीं क्यों जा रहा है वहाँ पर वो, ये देखो अब बैठ गया, कुछ काम नहीं धंधा नहीं, ऐसे ही लोग घूमते रहते हैं। तो एरिया कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ऊपर को मौसम आज साफ है, देखो ये देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है। इधर का भी ज़रा दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए अब पुल में लाइट लग गई है, मैंने पहले भी दिखाया था, अब भी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से गोला पार चले जाते हैं। तो गाइज वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, ये भदोनी का एरिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। अगर वीडियो अच्छी भी नहीं लग रही है, ये सीनरी अच्छी लग रही है और ये एरिया अच्छा लग रहा है, तो भी लाइक कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज्वाइन करिए, आपको नई नई जानकारियाँ मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बने रहना मेरे चैनल में।